नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे बैरिंग को इंस्टॉल और रिमूव किया जा सकता है। सबसे पहले आपको चाहिए एक व्हील, दो बैरिंग, एक स्पेसर एंड एक हेक्स की। इस बैरिंग को हम हेक्स की से मदद से इंस्टॉल और रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बैरिंग लेनी होगी और आप इस बैरिंग को अपने हाथों से दबा के उसे पुश कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फिर इस व्हील को हम एक्स की के मदद से और पुश करके एकदम फिट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम फिक्स हो गया है बैरिंग। और स्पेसर इंसर्ट करके हम इस व्हील को दूसरी बैरिंग को हाथों से दबा सकते हैं या फिर हम एक्स की मदद से भी इसे फिट कर सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं काफ़ी आसानी से ये फिट हो गया। अगर नहीं फिट होता तो एक्स की मदद से आप दबा के इसे आराम से फिक्स कर सकते हैं। देख सकते हैं कैसे व्हील आसानी से घूम रहा है। दूसरा तरीका, हम विदाउट टूल की मदद से भी इसे फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि ये बैरिंग है, बैरिंग को आसानी से हम विदाउट टूल की मदद से फिक्स कर सकते हैं। बैरिंग को नीचे रख के टायर को दबा दीजिए, जैसे कि वो एक तरफ से वो फिट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप, हम स्पेसर को बैरिंग के बीच में डालेंगे और बैरिंग को टायर को उल्टा घुमा के हम उसे हाथों की मदद से दबा के फिक्स कर सकते हैं। ये है तरीका विदाउट बैरिंग, विदाउट टूल के मदद से बैरिंग को फिक्स करना। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि आसानी से घूम रहा है ये व्हील्स बहुत ही। तीसरा तरीका, रिमूव विद टूल्स। हम टूल की मदद से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि हम एक्स की के मदद से इसे अंदर से दबाने से ये आसानी से बाहर निकल आएगा बैरिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैरिंग बाहर निकल गया है। और दूसरी तरफ हम एक्स की के मदद से अंदर पुश करके इसे आसानी से दूसरी तरफ से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने ये पुश कर दिया तो आसानी से वो निकल गया। ये है तरीका। थैंक यू।